वहीं केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट्स एयरपोर्ट के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर के सतर्क रहने के लिए कहा। ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े हॉस्पिटल्स राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर्स बनाए। इन अस्पतालों में मंकीपॉक्स के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के हॉस्पिटल्स में मंकीपॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। भारत में अभी मंकीपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक के आंकलन के मुताबिक मंकीपॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में एम पॉक्स भी कहते हैं। मंकीपॉक्स के मामले अफ्रीकन कंट्री में तेजी से फैले हैं। दूसरे देशों से आने वाले नागरिकों को लेकर भारत सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है।